हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। और इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, विजिट ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्यों विजिट हुई है, क्या क्या पैक्ट साइन हुए, क्या क्या एमओयू साइन हुए, उसके अलावा इंडिया और मालदीव्स के क्या क्या रिलेशंस हैं और क्या कितनी इंपॉर्टेंस है मालदीव्स की इंडिया के लिए। तो ये कुछ ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का ये पार्ट है, GS2 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पार्ट से। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पर आपको इस वीडियो का PDF फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। उसी के साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट की जितनी भी न्यू टेस्ट सीरीज़ हैं और प्रोग्राम्स हैं, उनका अपडेट आपको उस चैनल पर मिल जाएगा। और उस चैनल का लिंक मैं आपको अपने मैं आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो न्यूज़ में क्यों है ये टॉपिक? तो अभी जो होम मिनिस्टर हैं मालदीव के, मिस्टर शेख इमरान अब्दुल्ला, वो इंडियन होम मिनिस्टर से मिले हैं 21 फरवरी 2020 को। तो उसी को लेकर के ये जो मुद्दा है ये काफ़ी चर्चा में है। उसी के साथ की पॉइंट्स की बात करें तो दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो इशूज़ हैं उनको डिस्कस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन, और डाइवर्स फील्ड में एक दूसरे के साथ जो इनका बायलेटरल कोऑपरेशन बढ़ा है उसको दोनों ही मिनिस्टर्स ने वेलकमिंग किया। बहुत सारे फील्ड्स हैं जैसे पुलिसिंग है, लॉ इन्फोर्समेंट है, काउंटर टेररिज्म है, काउंटर रेडिकलाइजेशन है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। ये सारे वेरिड फील्ड्स हैं जिनमें जिनको लेकर के कोऑपरेशन हुआ है दोनों देशों के बीच में। तो जो हमारा डायरेक्टरेट है इन्फोर्समेंट का, वो मालदीव्स की हेल्प करेगा कि मालदीव्स के अंदर भी एक इसी तरीके की एजेंसी बनाई जाए। और जो हमारा PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस आइलैंड नेशन के अंदर तैयार किया जाए। तो उसको लेकर के जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो मालदीव को असिस्ट करेगा। तो हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है दो स्पेशल फिस्कल लॉज को इन्फोर्स करना, ठीक है। एक हमारा फेमा फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर में है। उसके अलावा बात करते हैं इंडिया और मालदीव्स की। देखो सिग्निफिकेंस क्या है मालदीव्स की इंडिया के लिए। सबसे पहला तो वेस्ट कोस्ट पे हमारी प्रॉक्सिमिटी बहुत कम है, बहुत नज़दीक है मालदीव्स हमारे, हार्डली 70 नॉटिकल माइल्स है हमारे मिनिकॉय से, जो हमारा सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, ठीक है। तो इसके अंदर फैक्ट्स याद रखना कि वेस्ट कोस्ट से सबसे नज़दीक जो हमारे देश है वो मालदीव पड़ता है, और उसी के साथ जो सदर्न मोस्ट आइलैंड हो गया लक्षद्वीप का वो है मिनिकॉय। और लक्षद्वीप जो है वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो मालदीव से सेपरेट होता है बाय 80 डिग्री चैनल। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको अपने प्री के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। उसके अलावा बात करते हैं, ये जो मालदीव आता है ये आता है हब ऑफ कमर्शियल सी लेन्स, ऐसे सी लेन्स जो हब हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के उनके बीच में आता है। और ये इंडियन ओशियन में तो है ही, तो 97% इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड अगर वॉल्यूम से बात करें, और 75% अगर जो पैसेज की वैल्यू से बात करें जो पास होते हैं वहाँ से, तो वो उसी रीजन से होते हैं। और कहीं ना कहीं इसका इट्स पोटेंशियल टू अलाउ अ थर्ड नेशंस नेवल प्रेजेंस इन द एरिया। तो इसका अंदर देखो दो नेशंस तो हैं ही हमारे उस रीजन में, एक अपना इंडिया लास्ट हो गया फिर श्रीलंका, तो इसका कहीं ना कहीं तीसरा ये एक इम्पॉर्टेंट नेशन बनता है उसी एरिया के अंदर में। फिर उसके अलावा बात करें तो जैसे जैसे चाइना का नवल एक्सपेंशन हुआ है इंडियन ओशियन के अंदर, तो मालदीव्स की जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो भी बढ़ गई है, ठीक है। तो आज की तारीख में वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के हार्ट के अंदर बैठता है। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका इंक्लिनेशन हो जाए मालदीव्स की तरफ। और अब की बार जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं और वो तो प्रो इंडियन है, वो उन्होंने क्या नाम है पाकिस्तान, वो उन्होंने जो वहाँ पे एक पॉलिसी थी, पहले जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे वहाँ पे एक पॉलिसी थी कि जो वहाँ के कुछ आइलैंड्स हैं वो चाइनीज़ लोगों को लीज़ पे दिए जाएंगे 99 ईयर्स के लिए। तो उस पॉलिसी को जो अब प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने खारिज कर दिया और वो प्रो इंडियन है, तो इसलिए इंडिया के लिए भी एक बेनिफिशियल है ये चीज़। उसके अलावा जो मालदीव है इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है, और इंडिया फर्स्ट एक पॉलिसी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने अभी स्टार्ट किया है।
उसके अलावा मालदीव जो है आपका सार्क का मेंबर है और SAESEC का भी मेंबर है, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का मेंबर है। उसके अलावा एक सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा है जो मालदीव के अंदर रहता है, बहुत सारे इंडियन वर्कर्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं मालदीव्स के अंडर में, और कहीं ना कहीं मालदीव की जो इकोनॉमी है उसको पुश करते हैं। तो ये जो डायस्पोरा है इसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और डायस्पोरा का इतना इंपॉर्टेंस होता है कि आप देख लीजिए कि ट्रम्प इंडिया के अंदर आए हैं अपना इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए, और इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे अपना इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए। तो डायस्पोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स में। उसको लेकर के अब बात करते हैं साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बेसिकली ये जो SAESEC थी ये 2001 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और इसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स और नेपाल आए थे, और कहीं ना कहीं ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप प्रोग्राम था जिससे कि रीजनल प्रोस्पेरिटी को प्रमोशन मिल सके, ठीक है, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, ट्रेड बढ़ाया जा सके अमंग द मेंबर कंट्रीज़, और कहीं ना कहीं जो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB, वो सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है, सचिवालय की तरह काम करता है SAESEC का। उसके अलावा बात करते हैं दोनों के रिलेशन के बीच में, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस और कमर्शियल लिंक्स स्टार्टिंग से रही हैं, इतिहास इस चीज़ का गवाह है। उसी के साथ साथ इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने मालदीव को एक कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया जब इसको इंडिपेंडेंस मिली 1965 में, और उसके बाद उन्होंने अपना एक मिशन यानी कि अपनी एक एम्बेसी भी एस्टेब्लिश करी माले में 1972 में। डिफेंस की अगर बात करते हैं तो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा इंडिया प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उसको, और 70% जो डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से ही पूरी होती है। उसके अलावा जो एक्यूवेरियन है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव के बीच में। डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करें तो जब 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आई और उसके बाद जो 2014 में माले में वाटर क्राइसिस हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े स्केल पे असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई मालदीव्स को। उसके अलावा ट्रेड और टूरिज्म की बात करें तो मालदीव जो है फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है UAE, चाइना, सिंगापुर के बाद, और 2018 में इंडिया जो था फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स था टूरिस्ट का जो मालदीव्स के अंदर जा रहे थे। तो मालदीव की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर, और वहाँ पर एक मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग का और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। ऑपरेशन कैक्टस की अगर बात करते हैं, ऑपरेशन कैक्टस 1988 में हुआ था, ठीक है, तो वो मालदीव गवर्नमेंट ने जो है रिक्वेस्ट करी थी इंडिया से, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस को एक्टिवेट किया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो है मिलिट्री डिप्लॉय करी, और जो है वहाँ पे कंटिन्यूटी जो रिजीम की कंटिन्यूटी थी उसको बरकरार रखने में हेल्प करी। कुछ वहाँ पर जो है एक तरीके से जिसे कहते हैं ना राजतंत्र के अगेंस्ट में जो है विद्रोह हो गया था, तो उसको लेकर के मालदीव गवर्नमेंट ने जब रिक्वेस्ट करी तो उसमें ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने लॉन्च किया था। सो दैट इज़ ऑल विद दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम अबाउट द रिलेशंस बिटवीन द मालदीव एंड द इंडिया, वेदर इट इज़ द हिस्टोरिक रिलेशन इन द डिफेंस सेक्टर, इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रेड एंड टूरिज्म, एंड अपार्ट फ्रॉम डैट वी हैव डिस्कस्ड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। इट इज स्टार्ट एस्टेब्लिश इन 2001 एंड हैविंग 6 मेंबर्स इन हिज एम्बिट। सो that is all with this video. If you have any doubt and suggestion, definitely comment. We will work upon that. And tab tak ke liye I wish you all the best, a very good health. God bless all of you.